हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ही बैड न्यूज़ है, जो 18 अगस्त को मतलब कल सुनवाई होने वाली थी वो अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि सुनने में तो ये आया है, जो जज ये डिसाइड करने वाला था कि केदारनाथ यात्रा कब से शुरू होगी, वो अभी छुट्टी पर है और वो 2 या 3 दिन में छुट्टी से वापस आएगा। तो जब वो वापस आएगा तो आगे की सुनवाई होगी, इसलिए अभी तक कोर्ट की तरफ से तो कोई भी नोटिस नहीं आया है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है यात्रा को शुरू करने की, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगा तभी वो यात्रा शुरू होगी। और हाँ भाई, एक बात और यार, ये बहुत बेकार लगता है हमारे भारत में कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मुझे तो उस मूवी की याद आ गई यार, पता नहीं भैया कब तारीख ख़त्म होगी, तब तक तो भैया यात्रा बंद होने का टाइम आ जाएगा। वहाँ बर्फबारी होने लगेगी तो यात्रा तो बंद करनी पड़ेगी फिर वैसे भी। तो इस वीडियो में इतना ही। केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो भैया चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।